सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की बेंच का डिसीजन है और जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और अदर ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। भारत में जब 1950 में संविधान लागू हुआ उस समय हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, इनकी व्यवस्था थी। ट्रिब्यूनल की व्यवस्था भारत के संविधान में शुरू में नहीं दी गई थी। 1970 आते आते हाई कोर्ट्स में जो मैटर्स थे उसकी पेंडेंसी बढ़ने लगी और उसके चलते सरकार ने कुछ उसका उपचार करने की विधि सोचनी शुरू की। 1975 में जो है स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई और ये डिसाइड किया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किए जाने चाहिए, और क्योंकि बहुत से मैटर ऐसे हैं जिसमें सरकारी कर्मचारियों के डिस्प्यूट हैं और वो भी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी जैसे मैटर्स होते हैं, तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वगैरह कॉन्स्टिट्यूट किए जाए। 1976 में जब इमरजेंसी चल रही थी उस समय 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें मेजर चेंजेस हुए जो संविधान में, और उसमें एक चेंज ये भी था कि संविधान में अनुच्छेद 323A और 323B जोड़ा गया। 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में है और 323B जो है अदर ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। अब इमरजेंसी खत्म होने के बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ज़्यादातर जो बदलाव 42वें संविधान संशोधन में किए गए थे वो वापस उसी पोजिशन में ला दिए गए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और अदर ट्रिब्यूनल वाला जो प्रोविजन था ये नहीं छेड़ा गया, ये वैसा ही रहा। 1980 के एक दो जजमेंट में भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात आई कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, पार्लियामेंट को ऐसा कानून बनाना चाहिए, और 1985 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 बना। वो उस समय चैलेंज भी हुआ और SP संपत कुमार के समय सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन तो नहीं किया, लेकिन उसमें जो जुडिशियल रिव्यू था, हाई कोर्ट्स का जो जुडिशियल रिव्यू बार किया गया था, उससे संबंधित कुछ प्रोविजन थे, तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह से जो है इसमें जुडिशियल रिव्यू को बार नहीं किया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी व्यक्ति है वो आ सकता है। दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वो भी एक इशू था कि क्या वो व्यक्ति फेयरलेसली जस्टिस कर पाएगा अपनी पोजिशन के साथ, क्योंकि हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं, उनको तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होती है, तो जो क्वासी जुडिशियल फॉर्म है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हुआ तो उसमें वैसे प्रोटेक्शन उनको नहीं है, और वो कौन लोग हैं, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक मेंबर्स भी थे जो नॉन जुडिशियल मेंबर थे, तो वो चेयरमैन बन सकते हैं क्या, या किस कंडीशन में चेयरमैन बन सकते हैं, उस तरह की बातें उसमें थी। उसके कुछ वर्ष बाद SP संपत कुमार के मामले के कुछ वर्ष बाद एल चंद्र कुमार के मामले में 7 जजेस की बेंच ने जब मैटर को डिसाइड किया तो उसके पास मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन थे। एक ये था कि क्या आर्टिकल 323A और 323B में हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड किया गया, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके अलावा क्या जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी कॉम्पिटेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी स्टेचूट की जो है चेक करने की या उसको इंटरप्रेट करने की, और इसके अलावा क्या जो ये ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं इफेक्टिवली जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जो है अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो इसमें जो पहला मामला है उसमें मिनरवा मिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंशियल फीचर या बेसिक फीचर है, और इसको पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी एक्सक्लूड नहीं कर सकती, वोलेट नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B का उतना पार्ट जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड करता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और दूसरे ट्रिब्यूनल्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने की बात है,
तो उसमें ये है कि ये ट्रिब्यूनल जितने भी हैं वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जो ट्रिब्यूनल है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट स्टेच्यूट है उसको नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स खुद जो है स्टेच्यूटरी बॉडी है, और ये जो है हाई कोर्ट में ही किया जा सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा जो ट्रिब्यूनल है वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस रहेंगे, और कोर्ट जो ट्रिब्यूनल्स को के जो डिसीजन होंगे वो हाई कोर्ट की जो है डिवीजन बेंच के पास जाएंगे, और वहाँ से फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। इससे पहले जो संपत कुमार का जो डिसीजन आया था उसमें यह था कि ट्रिब्यूनल के डिसीजन के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट को उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया था, जबकि इस मामले में एसपी संपत कुमार के जो डिसीजन को ओवर रूल करते हुए हाई कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन को दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया। इसमें ये हुआ कि हाई कोर्ट को का ज्यूरिस्डिक्शन रिस्टोर हो गया, और ये जो ट्रिब्यूनल्स थे ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हो गए, इनका ज्यूरिस्डिक्शन रहा लेकिन इनकी इफेक्टिविटी कम हो गई। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो एल चंद्र कुमार का मामला है वो ऑलमोस्ट इमरजेंसी के समय जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए प्रोविजन किए गए थे 42nd अमेंडमेंट में, वो बाद में रहे तो हैं एल चंद्र कुमार के केस के बाद में, लेकिन उनका जो पर्पज था कि फास्ट जस्टिस डिलीवरी ताकि हाई कोर्ट को बाईपास करते हुए कर लिया जाए, वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट है वो भी एसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर है, और उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, और इस तरह से हाई कोर्ट के चैनल के थ्रू ही आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।